वेलकम बैक फ्रेंड्स, इस चैनल के ऊपर हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं, बट फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए सॉलिड प्रोडक्टिव हैबिट्स को फॉलो करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पैसे अर्न करना, पैसे सेव करना, पैसे इन्वेस्ट करना और पैसों को ग्रो करना। तो आज हम ऐसे 14 प्रैक्टिकल हैक्स की बात करेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, और जब आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो आप अच्छी तरह से अपनी वेल्थ मैनेज भी कर सकेंगे और अपना टाइम भी मैनेज कर सकेंगे, और जब ये दोनों चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है प्रॉस्पेरिटी भी आएगी और आपकी फैमिली भी आपसे खुश होगी। तो इन 14 की 14 टिप्स को देखने के लिए इस पूरी वीडियो को एंड तक देखें। विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। आइंस्टाइन ने जिस तरह से उससे एक बात एट्रीब्यूटेड है कि नेवर ट्राई टू मेमोराइज समथिंग दैट यू कैन लुक अप टू, मतलब यह है कि आप अपने दिमाग में वो चीज़ें ना जरूरी नहीं है कि आप डालें जिनको आप आराम से कहीं और से देख सकते हैं। अब ये थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात हो जाती है, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात हो जाती है कि बच्चों को कुछ चीज़ें याद रहनी चाहिए, कुछ चीज़ें ओवर द टॉप ऑफ देयर माइंड होना चाहिए। लेट्स से कुछ टेबल्स हैं उनको याद होना चाहिए, जो मैथ्स के टेबल्स होते हैं उनको पता होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें तो ऐसी चीज़ें हैं ना जो आप इवेंचुअली जब बड़े हो जाते हैं तो आपको पता वाकई होना चाहिए, आपको ओवर द टॉप ऑफ द माइंड आपको चीज़ें होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं जिस तरह से जॉब करता हूँ, जहाँ मैं जॉब करता हूँ, जो मैं काम करता हूँ, उसके अंदर हम लोगों को लेट से बहुत सारी जो साइट्स होती हैं, साइट एलोकेशन होती हैं, उनकी साइट आईडीज एलोकेट कर देते हैं। दुबई के अंदर कोई बिल्डिंग का नाम है एक्स वाई जी, उस साइट का साइट आईडी क्या है उनको वो पता होगी, और मैं हैरान होता था एक ज़माने में कि यार ये लोगों को पता कैसे है इस तरह की चीज़। और सिर्फ मैं यहाँ की बात नहीं करा, मैंने ऐसे पाकिस्तान में भी लोग देखे हैं जिनको इस डोमेन के अंदर बात करें तो उनको साइट आईडीज याद होती थी। मैं उन पे मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मुझे कभी भी याद नहीं हुई इस तरह की साइट आईडी जो कि तकरीबन 4-5 डिजिट्स की होती थी, मुझे कभी भी याद नहीं हुई। आज से पहले पुराने ज़माने की बात करें तो पुराने ज़माने में लोगों के पास फ़ोन नंबर्स होते थे, लैंडलाइन नंबर्स होते थे, वो कुछ नंबर्स आपको याद हो जाते थे क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली उनको कॉल कर रहे होते थे। अपना घर का नंबर याद होता था, अपने कुछ दोस्तों के नंबर याद हो जाते थे आपको, लेकिन आजकल के ज़माने में अगर आप चले जाएं तो बच्चों को कहाँ किसी का नंबर याद नहीं होगा। आई एम श्योर बड़ी मुश्किल से हमने अपने बच्चों को अपने नंबर याद करवाएं, मोबाइल नंबर याद कराएं, ताकि अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो तो उनको पता हो। तो इस तरह की चीज़ें बाय द टाइम आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड से आउट होती जा रही हैं, और वो सही भी है क्योंकि ये चीज़ें आपको ज़रूरत ही नहीं है याद रखने की, तो उसमें कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है। आपके दिमाग का बेसिकली काम प्रोसेसिंग करना है, उसको मेमोराइज करना, उसका काम स्टोर करना डेटा को, उस तरह से डेटा स्टोर करना नहीं है। मैं जिस तरह से काम करता हूँ, मैं चीज़ों को मेमोराइज करने की आदत नहीं डालता। मुझे ये नहीं पता लेट से कि मुझे परसों कौन सी वीडियो अपलोड करनी है। मेरी जो ये वीडियोज़ हैं वो मैंने नोशन के अंदर उनको एक कैलेंडर के अंदर डाला हुआ है, और मुझे वहाँ से पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी वीडियो अपलोड करनी है। अगर मैं यही याद करता रहा कि मुझे हफ्ते में 3 वीडियो जो डालनी है वो कौन कौन से दिन में कौन कौन सी डालनी है, तो फिर तो काम हो गया ना, फिर तो मेरी प्रोडक्टिविटी क्या बोलूँ मैं उसको। तो इसी तरह से ऑफिस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को मैं तो एटलीस्ट याद नहीं रखता, मैं उसको कैलेंडर के अंदर डालता हूँ, और कैलेंडर जो भी होता है, जो भी काम होता है, या तो वो पहले पॉपअप कर जाता है या अपने टाइम पे पॉपअप करता है। तो जब वो करता है पॉपअप तो मुझे उस टाइम पे काम पता होता है क्या करना है। इसी तरह से जो आउटलुक है, आउटलुक का भी इस तरह से मैं कन्फिगर रखता हूँ कि मुझे पता चल जाए कि किस टाइम पर मुझे ईमेल करनी है या मुझे कोई फॉलोअप लेना है तो मुझे वहाँ से पता चले। मुझे अगर हर चीज़ याद रखनी पड़ेगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है, अपना सिस्टम बनाएं, गोल को उस तरह से ना देखें। गोल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मसला ये है कि गोल एंड रिजल्ट होता है गोल, और उसके अंदर जो आपकी जर्नी होती है आप उसको मिस आउट कर देते हैं। मैं उसकी एग्जांपल देता हूं आपको, अगर मुझे अपना घर रेनोवेट करना है तो मुझे घर रेनोवेट करने के अंदर मुझे अपनी वॉल्स को पेंट करवाना होगा, मुझे अपने प्लांटेशन करनी होगी, मुझे लैंडस्केपिंग करनी होगी, मुझे बहुत सारे काम होंगे, लेकिन मैं सारी चीज़ों को एक गोल सेट कर दूंगा और उसके अंदर बाकी चीज़ों को मैं एंजॉय नहीं करूंगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, अपना टाइम मैं ज़ाया कर रहा। अगर मैं अपने प्रोसेस को एंजॉय करूं, लेट से मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, अब मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे पता है कि 1 करोड़ रुपये मुझे चाहिए लेट से 5 साल बाद, अब उस 5 साल के अंदर मुझे जो 1 करोड़ रुपये चाहिए, मैं अगर सिर्फ 1 करोड़ को सोचता रहूँगा तो वो काउंटर इंट्यूटिव होगा और मुझे वो टॉक्सिक भी बन सकता है। तो बेहतर ये है कि मैं एक ऐसा प्रोसेस बना दूं कि मुझे पता हो कि यार मुझे हर महीने इस चीज़ को टारगेट करना है और हर महीने ये काम करना है, जिससे मेरा एंड गोल कंप्लीट हो जाएगा और मैं उस प्रोसेस को भी इंजॉय कर सकता हूँ, मैं उस प्रोसेस को देख भी सकता हूँ कि उसके अंदर कॉन्स्टेंट मेरी जो प्रोग्रेस है उससे एक सेटिस्फैक्शन भी मिल सकती है। तो प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि गोल से। थर्ड पॉइंट मेरा फेवरेट है, मैं अब अपने आप को कह सकता हूँ कि मैं मैच्योर हो गया हूँ, क्योंकि आज से कुछ लेट से 3-4 साल पहले तक मैं लोगों से बहस किस चीज़ पे करता था, मैं 2-3 चीज़ों पे ऐसी आर्ग्यूमेंट्स करता था जो मैं अब सोचता हूँ कि यार मैं कितना टाइम ज़ाया करता था। मैं लोगों से पॉलिटिक्स पे बहस करता था, मैं लोगों से इस बात पे आर्ग्यू करता था कि आईफोन अच्छा है या एंड्रॉयड अच्छा है। कोई मुझसे बात करे कि मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन पूछना चाहे मैं बता देता हूँ, लेकिन मुझसे आगे कोई आर्ग्यू करना चाहे कि यार इसने इस तरह करा था और उसने उस तरह किया था, तो मैं उस पर ज़्यादा बात ही नहीं करता हूँ, मैं बात को डाइवर्ट कर देता हूँ क्योंकि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी तरह से
किसी जमाने में मैं एंड्रॉइड और एप्पल के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करता था कि यार ये ऐसा और वो ऐसा, मैं फोरम्स पे भी लगा होता था, मैं व्हाट्सएप पे भी लगा होता था, मैं एप्पल की अच्छाइयां करने में लगा होता था, लेकिन उस चीज का भी कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा, मतलब एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है वो मेरे, या गूगल इतनी बड़ी कंपनी है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सामने वाला बंदा हिल तो नहीं जाएगा ना। मैं कोई इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर तो नहीं हूँ कि मैं उसको अपनी कहने से कुछ चीज़ें चेंज कर दूँ, और चीज़ें चेंज भी करके मैं क्या कर लूँगा, कोई मुझे मॉनेटरी बेनिफिट तो हो नहीं रहा है, तो मुझे फायदा ही नहीं है इस तरह की बहस करने का। तो अपनी लाइफ से जो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं वो खत्म कर दें। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें ऐसे बताऊँ, जैसे आप अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइविंग टू द ऑफिस है, और अगर आप चेंज कर सकते हैं अपने टाइमिंग्स तो डेफिनेटली चेंज करें। मैंने देखा है कि पीक आवर्स के अंदर पाकिस्तान में भी, दुबई में भी किस तरह से ट्रैफिक बढ़ गया है और बहुत बुरा हाल हुआ है। अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि अपना टाइमिंग एडजस्ट कर लें नॉन पीक आवर्स में, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और अपना टेंशन भी आपकी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा एक और बात करें तो अपना सोशल मीडिया का एक्सपोजर कम से कम कर दें। मैंने ये करके देखा है, ऑफकोर्स मैं क्योंकि काम करता हूँ सोशल मीडिया से रिलेटेड, मुझे देखना पड़ता है, तो मैं कॉन्टेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इन होता हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, ना मैं किसी का कमेंट कर रहा होता हूँ, ना लाइक कर रहा होता हूँ। उसका रीज़न ये है कि भाई अगर मैं ये करना शुरू कर दिया तो फिर तो मेरा टाइम सारा ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कितना लिमिट कर सकते हैं, जितना लिमिट कर सकते हैं सोशल मीडिया का एक्सपोजर उतना कम से कम कर दें उसको। अच्छा, नंबर फोर्थ पॉइंट, एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है कि बेसिकली आप 25 मिनट के लिए काम करें, 5 मिनट के लिए रेस्ट करें। अब ये मुझे नहीं पता कि इसकी ड्यूरेशन सही मैं बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसी तरह है कि ऑलमोस्ट कोई 25 मिनट के लिए आप काम करें, 5 मिनट के लिए रेस्ट करें या कोई और एक्टिविटी करें, फिर 25 मिनट के लिए काम करें, 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लें, 25 मिनट 5 मिनट, इस तरह करते करते यू कैन डू इट फॉर 4 टाइम्स। जब ये 4 दफ़ा ये साइकिल कम्प्लीट हो जाए, यानी कि आपके 2 घंटे कम्प्लीट हो जाए, तो फिर आधे घंटे का आप ब्रेक ले सकते हैं। आप इस चीज़ को करेंगे, और मैंने इम्प्लीमेंट करके देखा है इसको, इससे वाकई आपको, अगर आप फोकस रहकर 25 मिनट के लिए काम करते हैं और 5 मिनट के लिए रेस्ट ले लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ मैं इसमें क्या करता हूँ। जब मैं अपनी वीडियोज़ एडिट कर रहा होता हूँ, या मैं ऑफिस का कोई काम कर रहा होता हूँ, या लेट से मैं स्क्रिप्ट बना रहा होता हूँ, इस जिन चीज़ों में मुझे अपना फोकस चाहिए होता है, मैं उन चीज़ों को जब फोकस रख के काम कर रहा होता हूँ और 5 मिनट की ब्रेक लेकर फिर दोबारा मैं काम करता हूँ, तो मुझे इससे फ़ायदा लगता है। आप मुझे नहीं पता दूसरे लोगों का क्या इसमें फीडबैक होता है, आप मुझे डेफिनेटली करके बताएं, कमेंट में लिख के बताएं कि आपने ये ट्राई किया है या नहीं किया। तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई करें, एक दिन दो दिन ट्राई करें कि आपको अगर कोई फोकस्ड काम करना है तो आप उसको 25 मिनट के लिए करें, 5 मिनट की ब्रेक लें, 25 मिनट के लिए करें, फिर 5 मिनट की ब्रेक लें, देखें उससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ज़रूर मुझे बताइएगा। इसी तरह एक और रूल है, 2 मिनट्स रूल। 2 मिनट्स रूल भी बड़े मज़े का रूल है, उसके अंदर मैंने रिसेंटली इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। एक चीज़ होती है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब यह है कि आप किसी चीज़ को जानबूझ के थोड़ा सा डिले करते हैं। लेट से कोई ईमेल आई हुई है और उसका रिप्लाई करना है, कोई व्हाट्सएप आया हुआ है उसका रिप्लाई करना है, आप सिर्फ उसको डिले कर रहे हैं, हालांकि कोई रीज़न नहीं है उसको डिले करने का। आपको फ़ौरन कर भी सकते हैं और कर देना भी चाहिए, लेकिन आप सिर्फ डिले कर रहे हैं। मैंने लेट से मेरे पास ईमेल कोई सुबह आती है और मैं सिर्फ शाम तक उसका वेट ही करता रहता हूँ कि उसका रिप्लाई करना है, मेरे दिमाग में चलता भी रहता है कि मुझे उसका ईमेल का रिप्लाई करना है, जस्ट फॉर नथिंग मैं उसका रिप्लाई नहीं कर रहा होता, और शाम को जाके मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। पूरा दिन मेरे दिमाग में ये चल रहा होता है कि यार एक काम पेंडिंग है जो कि करना है और मैं करता नहीं हूँ। तो वो 2 मिनट्स रूल ये कहता है कि आपको अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं तो 2 मिनट में उसको ख़त्म करके छोड़ दें, आप उसको प्रोलॉन्ग ना करें। एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली हमारे घर की एक घड़ी ख़राब हुई थी, और वो घड़ी ऐसी जगह लगी थी कि बहुत ज़्यादा लोग उसको देखते नहीं थे, लेकिन मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहा था, कम अज़ कम 15-20 दिन हो गए थे उसकी ख़राब नहीं हुई थी, उसके सेल ख़त्म हो गए थे। तो जब बैटरी चेंज करने की बारी आती थी तो मैं उसको फिर अगेन उसको डिले कर देता था। इवेंचुअली मैंने एक दिन कहा यार 2 मिनट का काम है, उसको उठकर बैटरी चेंज करो, बैटरी घर में मौजूद है तो क्यों नहीं चेंज कर सकते। करी मैंने फ़ौरन चेंज, और उसके बाद इट वॉज ऑल डन। मेरे दिमाग से जो एक बर्डन था कि यार ये काम करना है वो ख़त्म हो गया। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें, आपके ऑफिस के काम हो सकते हैं, आपके पर्सनल काम हो सकते हैं, जो कि आप 2 मिनट के रूल को लगा लें कि अगर किसी चीज़ के अंदर 2 मिनट लगते हैं तो आप उस काम को ख़त्म कर दें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट भी ये मिनट्स रूल के हिसाब से, ये 5 मिनट का रूल है, 5 मिनट्स रूल। 5 मिनट्स रूल क्या कहता है कि अगर आपका कोई ऐसा काम है जो कि बहुत अरसे से आपने डिले में डाला हुआ है, लेकिन वो काम करना भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप एक काम करें, सिर्फ 5 मिनट दें, 5 मिनट फोकस रह के उस पर काम कर लें, और डेफिनेटली जब आप फोकस रह के काम करेंगे तो वो काम चलना शुरू हो जाएगा, आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये है बेसिकली कि आप किसी काम को स्टार्ट ही नहीं करते। वंस यू किक स्टार्टेड तो फिर आपको पता चल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगी आपको काम करना है, चाहे वो आगे 1 घंटा ले, 2 घंटा ले, पूरा दिन ले ले आपका, लेकिन जब आपने काम स्टार्ट कर लिया ना तो आपको फिर पता होगा कि यार अब इसको ख़त्म करना है। लेकिन वो 5 मिनट जो होने चाहिए वो फोकस्ड होने चाहिए, वो उसी काम के होने चाहिए। 5 मिनट्स रूल का मैं एग्जाम्पल दूँ, मैंने अभी रिसेंटली जब अपनी वेबसाइट बनाई थी तो वेबसाइट को मैं सोच रहा था पता नहीं कब, कितने अरसे से कि मुझे बनाना है, लेकिन एक दिन मैं बैठा
सिर्फ 5 मिनट, लिटरली मैंने 5 मिनट दिए कि मैंने देखा कि यार इसको मैंने जो अपने एग्जिस्टिंग ब्लॉग्स हैं वो कैसे मैं उनको मूव कर सकता हूँ एक नई वेबसाइट के ऊपर। नई वेबसाइट के लिए करना किया तो मैंने बगैर कुछ सोचे समझे बस 5 मिनट के अंदर मैंने काम किया कि मुझे डोमेन नेम परचेस करना था वो मैंने 5 मिनट में कर लिया क्योंकि मुझे पता था कि अवेलेबल है एक पर्टिकुलर डोमेन नेम wali khan.co जिस पर मैंने वेबसाइट बनाई थी। प्लस उसके ऊपर सेकंड पॉइंट मुझे ये देखना था कि जो मेरे एग्जिस्टिंग ब्लॉग्स हैं वो कॉपी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। मैंने इन दो चीज़ों पर रिसर्च की, दोनों चीज़ों को मैंने 5 से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट किया। उसके बाद जब मेरा ये काम हो गया फिर मैंने तकरीबन कोई ईद की छुट्टियों में 2 से 3 दिन के अंदर ये वेबसाइट का काम कंप्लीट कर लिया था। तो 5 मिनट का रूल मुझे बहुत जगहों पे फायदा किया है। जब मैंने ये सोच लिया कि यार ये मुझे काम करना है तो मैं सिर्फ उसको 5 मिनट देता हूँ, उसके बाद मुझे उसके अंदर उसके सारे दरवाजे जो हैं वो खुल जाते हैं। तो ये रूल बहुत ज़बरदस्त है। इसी के साथ 7th पॉइंट, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग क्या चीज़ है? टाइम ब्लॉकिंग मैंने रिसेंटली सीखा है, समझा है, इसको मैंने इंप्लीमेंट किया है। इसके अंदर मैं कैलेंडर्स के अंदर जो अपना टाइम होता है वो ब्लॉक कर लेता हूँ। लेट से मेरे दिमाग में भी कभी कभी चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। अब फर्ज करें मेरे पास कोई काम करना है मुझको, मुझे आज के काम पता है, मुझे आज के 7-8 काम जो मुझे करने हैं वो पता है। अब मैं उसको काम स्टार्ट कैसे करूँगा? मैं कहूँगा कि यार ये लेट से अभी 2 बज रहे हैं और 4 बजे तक मुझे ये 2 काम कंप्लीट कर लेने हैं ताकि फिर उसके बाद मैं बात करूँ। तो टाइम ब्लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपने दिमाग में टाइम को ब्लॉक नहीं करेंगे या अपने कैलेंडर में टाइम को ब्लॉक नहीं करेंगे तो वो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास 8 काम है आप यही सोचते ही रह जाएंगे कि आपको 8 काम करने, पूरा दिन गुजर जाएगा। अगर आपने टाइम ब्लॉकिंग स्टार्ट कर दी है तो आपको प्रोडक्टिविटी जिस लेवल पे मिलेगी आपकी सोच होगी। इसी तरह नंबर 8 पॉइंट, कलर कोडिंग का टाइम ब्लॉकिंग से ही रिलेट करता है। अगर कैलेंडर आप बना रहे हैं तो कैलेंडर के अंदर एक ऑप्शन होता है, हर कैलेंडर में ऑप्शन होता है जो आजकल डिजिटल कैलेंडर्स हैं उसके अंदर ऑप्शन होता है कि आपके पास कलर कोडिंग कर सकें, हर काम, हर डिफरेंट काम को कलर कोड करें। कलर कोड करेंगे ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी और आप उसके अंदर जल्दी काम कर सकते हैं। इसी चीज़ को मैंने पहले मैंने बात की थी एक्सेल के ऊपर भी कि एक्सेल के अंदर भी जब आप सेल्स को कलर करते हैं या जो फॉर्मेटिंग करते हैं सेल्स की, उससे भी आपको बहुत सारी विजुअल इंडिकेटर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। जब वो विजुअल इंडिकेटर्स मिलते हैं तो काम आपका आसान होना शुरू हो जाता है। तो कलर कोडिंग को भी हर चीज़ के अंदर यूज़ करें, चाहे वो कैलेंडर हो आपका, चाहे नोशन हो। नोशन के अंदर भी मैंने बाय द वे इस तरह किया हुआ है कि अपने पर्सनल डैशबोर्ड जो बनाया हुआ है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के कलर्स यूज़ किए हुए हैं। प्लस ये कि जो मैंने यूट्यूब की अपना जो कैलेंडर बनाता हूँ उसके अंदर भी डिफरेंट कैलेंडर्स यूज़ किए हुए हैं, डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हुए हैं, जिसके अंदर मैं लेट्स से यूट्यूब में जो वीडियो अपलोड हो चुकी होती है उसका कलर डिफरेंट होता है, या जो अंडर एडिटिंग होती है उसका कलर डिफरेंट होता है, जिस वीडियो का स्क्रिप्ट बन रहा होता है उसका कलर अलग होता है। तो इस तरह कलर कोडिंग अगर आप कर लेंगे अपनी हर चीज़ के अंदर, जो भी आप बना रहे हैं अपना डैशबोर्ड या अपना कोई भी काम कर रहे हैं, तो कलर कोडिंग से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है और चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आपको रिफ्लेक्ट हो रही होती है। नंबर 9th पॉइंट पर आइजनहावर मैट्रिक्स है। अब ये क्या चीज़ है? ये बड़े मज़े की चीज़ है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास अपने काम को आप 4 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। आपका काम अर्जेंट हो सकता है, आपका काम नॉन अर्जेंट हो सकता है, आपका काम इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका काम नॉन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इसको मैट्रिक्स बना लें तो आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। अगर आपका काम लेट से अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट है तो आपको वो हर सूरत में अभी करना है। अगर वो आपका काम अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है तो आपको उसको शेड्यूल करना होगा। इसी तरह से आपका काम अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है तो आपको उसको डेलीगेट करना होगा। यानी कि अगर आपको फर्ज करें कोई ऐसा काम है जो कि इम्पॉर्टेंट तो इतना नहीं है लेकिन करना अभी है, तो उसको आप किसी बंदे को दे दें कि यार ये तुम कर लो, क्योंकि मेरा पास और कुछ और दूसरी चीज़ें मौजूद हैं, अपने किसी सबॉर्डिनेट को दे दें अगर इम्पॉर्टेंट काम नहीं है लेकिन अर्जेंट है। इसी के बाद अगर ऐसा कोई काम है जो नॉट विच इज़ नॉट अर्जेंट लेकिन इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, जब ऐसा नहीं है तो उसको छोड़ ही दें, तो उस काम को जो ना ही इम्पॉर्टेंट हो ना ही अर्जेंट हो तो उसको छोड़ दें। तो ये 4 इस तरह के सिनेरियोज़ बनाएं अपने हर काम के, कोशिश करें। मतलब मैं अभी रिसेंटली इसको मैंने करना शुरू किया है तो मुझे लग रहा है कि फ़ायदा होगा इसमें, लेकिन आप डेफिनेटली इसको ट्राई करें इन 4 कैटेगरीज़ के अंदर अपने कामों को डालकर उनको आइदर वो करना है या डिले करना है या किसी और को देना है, इस मैट्रिक्स में डाल के उसी हिसाब से उसको जज करें। नंबर 10th पॉइंट, रिसेंटली मैंने देखा है, रिसेंटली डिस्कवर किया, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक प्रोडक्टिविटी टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने इसको करके देखा खुद। पहले क्या करता था मैं कि कभी लेट से मुझे कोई वीडियो का आइडिया आया तो मैं नोट्स में उसको लिख लेता था। आप आईफोन के अंदर नोट्स होते हैं उसके अंदर मैं लिख लेता था, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती थी तो वो ऊपर चला जाता था, उसको सर्च करना इतना मुझे कन्वीनियंट नहीं लगता था। रिसेंटली मैंने फिर क्या किया कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को ग्रुप क्या बनाया, मैंने अपने एक और नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसके अंदर मैंने उसको पिन कर दिया ऑन टॉप ऑफ माई ओन व्हाट्सएप, और जब मैंने उसको पिन कर दिया तो वो ग्रुप से मैंने अपना दूसरा नंबर निकाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि जब भी उस ग्रुप पे कोई मैसेज करता हूँ तो वो पिन वहीं पर रहता है। मैं जब भी व्हाट्सएप खोलूँगा तो सबसे पहले मुझको वहाँ पर वो चैट मिलेगी,
उसको जब मैं खोलता हूँ तो उसके अंदर कभी भी मैं कोई यूट्यूब की वीडियो अपलोड उस पर डालनी होती है, लेट से कोई लिंक सेंड करना होता है, कोई इंपॉर्टेंट बात टेक्स्ट होता है जो कि मुझे लिखना होता है, या लेट से मैं अपना कोई वॉइस नोट होता है वो उसके ऊपर सेंड कर देता हूँ, ये चीज़ें करता हूँ तो मुझे डेट्स के हिसाब से उसके अंदर कॉन्स्टेंट नज़र आ रहा होता है कि मैंने अपनी एक तरह से पर्सनल डायरी मेंटेन कर रहा हूँ उसके अंदर मैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि मुझे जब भी कोई चीज़ सर्च करनी होती है या पुरानी चीज़ भी आर्काइव में भी सर्च करनी होती है तो मुझे पता होता है कि इसके अंदर मैंने जो चीज़ भेजी थी वो मिल जाएगी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे कोई वीडियो आइडिया एकदम से आ जाता है कि यार ये चीज़ कर सकते हैं, तो मैं उसको एक टेक्स्ट बनाकर उसके ऊपर थोड़ा बहुत जो लिखना होता है वो लिख देता हूँ, कभी कभी वॉइस नोट भी अपने आप को सेंड कर देता हूँ। तो उससे जब मैं बैठूंगा एक जगह पर और मुझे वीडियो आइडिया सोचना पड़ेंगे तो मैं उसको कर सकता हूँ। इसी चीज़ को मैं ट्रांसलेट किया मैंने नोशन के ऊपर भी। नोशन के ऊपर मैं अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरह से नोशन मेरे कामों को इम्प्रूव कर रहा है, किस तरह से उसके कैलेंडर्स मुझको फ़ायदा दे रहे हैं। लेकिन अभी के लिए किसी के लिए भी व्हाट्सएप इज़ अ जेम ऑफ अ थिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 11th, और उसके अंदर एक बहुत ही ये टिप मुझे बहुत पहले से मैं इसको इम्प्लीमेंट किया हूँ कि अगर कभी भी आपको कोई मेजर काम करना है अगले दिन का तो आप रात में बैठकर उसको कम से कम 10 से 15 मिनट दे दें, 20 मिनट दे दें। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरी कोई मीटिंग हो सुबह तो मैं उसके लिए ये नहीं होगा कि मैं लेट से 10 बजे मीटिंग है तो 9 बजे बैठ के उसको प्रिपेयर करूँगा, क्योंकि 9 बजे बैठ के जो मैं प्रिपेयर करूँगा या मैं कोई भी काम करूँगा उसका तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी उसके अंदर। उसका रीज़न ये है कि मैं ऑफिस के अंदर उस तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा इंटरप्शन होती है। जब से ये वर्क फ्रॉम होम का सिचुएशन स्टार्ट हुई है उसके अंदर मैंने देखा है कि ऑफिस कितना अनप्रोडक्टिव हो जाता है कभी कभी चीज़ों के लिए। आप 10 बजे रात में सुकून से बैठकर 5-10 मिनट 20 मिनट जो काम कर सकते हैं वो ऑफिस के अंदर एक घंटा डेढ़ घंटे में भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं सबको ये कहता हूँ कि रात में आप कम से कम प्रिपेयर कर लें 20 मिनट के अंदर। और ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, आप किसी भी चीज़ के अंदर देखें तो आपको अगर अगले दिन कोई भी काम करना है वो आप अगर 10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए उसको टाइम दे दें वो आपको याद भी रहेगा और अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी देगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, और अगला पॉइंट अगेन मैं क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा काम कर रहा हूँ तो मुझे उससे बहुत सारा हेल्प मिलती है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में। तो ये एक पॉइंट ऐसा है जो कि शुरू से मैं कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट जब से मुझे ये समझ में आया कि यार ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए। पहले मैं क्या करता था कि यूट्यूब जब वीडियोज़ बनाता था तो मैं एक वीडियो एक टाइम पर बनाता था, लेकिन अब मैं उसको बैचिंग करता हूँ, 3 वीडियोज़ 4 वीडियोज़ 5 वीडियोज़ इवन कभी कभी मैं एक साथ शूट कर लेता हूँ। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जब आप बैठते हैं वीडियो बनाने के लिए तो आपको पूरा सेटअप करना पड़ता है, उसके अंदर आपको कैमरा सेटअप करना पड़ता है, आपको अपना ऑडियो सेट करना पड़ता है, आपको अपनी लाइटिंग सेट करनी पड़ती है। ये सारे काम फ्रिक्शन वाले होते हैं जो कि मेरे पास अभी स्टूडियो नहीं है ऑफकोर्स, तो मैं ये खुद अपने कमरे में कर रहा होता हूँ तो इसमें टाइम लगता है। बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, घर वालों को बताना होता है कि भाई वीडियो बना रहे हैं शोर नहीं करें, इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं, बच्चों को बताना पड़ता है। तो ये चीज़ अगर मैं एक हर वीडियो के लिए अलग अलग करूँगा तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये मुझे कितनी फ्रिक्शन इसमें कॉज करनी पड़ेगी। उसकी वजह से मैं 3 वीडियोज़ 4 वीडियोज़ एक दफ़ा मैं बैठ के शूट कर लेता हूँ, उसका पहले से स्क्रिप्ट तैयार होते हैं, स्क्रिप्टिंग का टाइम भी एक होता है, आइडियाज़ लेने का टाइम, तो खैर पूरा वक्त मैं आइडियाज़ ले रहा होता हूँ तो आइडियाज़ का तो एक अलग ही मसला है, वो तो किसी वक्त भी आप ले सकते हैं, लेकिन स्क्रिप्टिंग का टाइम ओवरऑल मैं एक साथ कर रहा होता हूँ, जो शूटिंग है वो एक साथ कर रहा होता हूँ, जो एडिटिंग है वो एक साथ कर रहा होता हूँ। तो उसकी वजह से जो बैचिंग है ना उससे बड़ा फायदा होता है। इसी तरह से अगर आप ऑफिस वर्क के अंदर देख लें, अगर आपको ईमेल्स का रिप्लाई करना है तो मैं कहूँगा कि आप एक दफ़ा बैठें और सारी ईमेल्स का रिप्लाई करना शुरू कर दें। उसमें वैसे बाय द वे मैं ईमेल्स की बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि हमारे ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ईमेल्स आती हैं जो मैं जिस जगह पर काम करता हूँ, तो इस वजह से मुझे उसको एक अलग से एक डोमेन है मेरे लिए जो मैं उसको उस पे मुझे काम करना पड़ता है। वरना बहुत सारे ऑफिसेज में मैंने ऐसे भी काम किया जहाँ पर दिन की आपको मैक्सिमम 10-15 ईमेल्स आएंगी, तो वो बड़ा प्रोडक्टिव होता है कि आप आराम से उसको हर ईमेल को देखकर काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे फिल्टर करना पड़ता है कि कौन सी ईमेल देखनी है कौन सी नहीं देखनी। सो बैचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, भले आपका ऑफिस हो भले आपकी पर्सनल लाइफ हो, जिसके अंदर भी जो काम बैचिंग से हो सकता है इमेजिन करके देखें कि क्या काम बैचिंग से हो सकता है और क्या काम ऐसे नहीं हो सकता, तो जो काम हो सकता है उसको डेफिनेटली इसी तरह से करें। नंबर 13 पॉइंट कि इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, बहुत पहले बनाई थी, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लिंक मैं फिर भी लगा देता हूँ उसका, लेकिन उसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से आपको लिसन करना चाहिए या किस तरह से कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए। मैं जब गाड़ी में होता हूँ, ड्राइव कर रहा होता हूँ, वर्कआउट कर रहा होता हूँ, लेट से मैं वॉक कर रहा होता हूँ, या जनरली भी मैं ऐसे ही अगर बैठा हुआ हूँ तो मैं जो कंटेंट कंजम्पशन का तरीका है मेरा वो ये है कि मैं हमेशा जिस प्लेटफॉर्म पे मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ उस पे अगर ऑप्शन है कि मेरी स्पीड बढ़ सकती हो तो मैं बढ़ा देता हूँ। यानी कि मैं अपनी किसी भी वीडियो को जो कि एक टॉकिंग हेड वीडियो होती है, जिस तरह से मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, टॉकिंग हेड वीडियोज़ को मैं ट्राई करता हूँ कि मैं 1.5 टाइम्स की स्पीड पर देखूँ एटलीस्ट।
कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को 2 times पे देख सकते हैं, बहुत बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको 2 times पे देख सकते हैं, लेकिन हर एक को 1.5 या 1.25 पे तो एटलीस्ट देख सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर लेट से 40 मिनट का कंटेंट है तो आप 20 मिनट में उसको ख़त्म कर सकते हैं, 20 में नहीं तो 30 मिनट में तो एटलीस्ट ख़त्म कर ही सकते हैं। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको मिल जाएगी उस पूरे टाइम में, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा उसको पूरे लेंथ के ऊपर पूरी उसी स्पीड पर देखें जिस ओरिजिनल स्पीड के ऊपर वो कंटेंट बनाया हुआ है। उसका एग्जांपल आप इस तरह से देख सकते हैं कि मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ये मैंने वीडियो की स्पीड 1.5 टाइम्स कर दिया और आपको अभी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये प्लीज़ मुझे बताएं। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आपको अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहिए। इसी के साथ लास्ट पॉइंट 14th पॉइंट, टू डू लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट मैं कहता हूँ कि मैं बनाता हूँ, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा उसको बैक बर्नर पर रख दिया है। टू डू लिस्ट हर वक्त नहीं बनाता क्योंकि इतने सारे सेटअप्स ऑलरेडी मौजूद हैं, सिस्टम्स ऑलरेडी मौजूद हैं कि टू डू लिस्ट मेरी नहीं सिर्फ और सिर्फ सेम डे की बनती है। यानी कि आप ये समझें कि अगर मेरे पास कोई काम है जो मुझे आज करने हैं वो मैं नोट्स के ऊपर लिख लेता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं ये नहीं करता कि मैं अगले दिन वाली किसी चीज़ को टू डू लिस्ट के अंदर डालूँ, वो मैं फिर कैलेंडर में डालता हूँ, कैलेंडर में डालता हूँ या नोशन में डालता हूँ, तो किसी एक चीज़ में डालता हूँ। टू डू लिस्ट बनाना अगर सेम डे के लिए कोई चीज़ है तो डेफिनेटली उसको टू डू लिस्ट में डालें। एक कोई पर्टिकुलर आपके पास ऐप होनी चाहिए या आपके पास रिटन कोई कॉपी होनी चाहिए या आपकी नोटबुक होनी चाहिए जिसके अंदर आप लिख सकें या एंटर कर सकें कि आज आपको क्या क्या काम लाजमी करने हैं, और उसको करने के बाद आप उनको ख़त्म कर दें और अगले दिन पर ट्राई करें उनको लेके ना जाएं, और अगले दिन पर जा रहा है तो उसको कैलेंडर में डाल दें। सो टू डू लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल फॉर द सेम डे जॉब। मैंने इसी तरह से एक्सेल पे वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बात की थी किस तरह से आप अपने एक्सेल को प्रोडक्टिव बना सकते हैं अपने लिए, डिफरेंट उसके अंदर मैंने ट्रिक्स बताई थी, यहाँ पर मैंने उसकी वीडियो लगा दी है। इसके अलावा मैंने वीडियो बनाई थी कि 7 reasons why you fail in financial planning, यहाँ पर मैंने उसका लिंक लगा दिया, प्लीज़ उसको जाके देखें। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।